हेलो फ्रेंड्स, दो दिन हम्पी एक्सप्लोर करने के बाद में आज हम निकल पड़े हैं चित्रदुर्ग की ओर। चित्रदुर्ग और हम्पी ये दोनों में डिस्टेंस लगभग 130 किलोमीटर्स का है। नेशनल हाईवे नंबर 50 से हम हम्पी से चित्रदुर्ग के लिए जाएंगे। चित्रदुर्ग का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में कवर हो जाएगा, क्योंकि हाईवे और रास्ते की कंडीशन बहुत ही अच्छी है कर्नाटक में, उसमें कोई दोराय नहीं। इसी बीच हम्पी से निकलने के बाद के पास में एक तुंगभद्रा रिवर जो है उस पर एक काफ़ी बड़ा तुंगभद्रा डैम या फिर उसे तुंगभद्रा रिजर्वायर कह सकते हैं वो है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही विशाल का रिजर्वायर है ये। यहाँ पे ऐसे इसके सामने खड़े होकर ऐसा लगता है हम कहीं समुद्र किनारे ही खड़े हैं क्या। चलो मैं आपको दिखाता हूँ तुंगभद्रा रिजर्वायर, आप देख पा रहे होंगे उसकी विशालता। यहाँ तक नजर जा रही है, बस पानी पानी दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही बड़ा रिजर्वायर है ये। हम्पी से चित्रदुर्ग पहुंच चुके थे, थोड़ा लेट होने की वजह से हम डायरेक्ट रूम करके सो गए। उसके बाद में आज सुबह 9 बजे ही हम चित्रदुर्ग फोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी हम चित्रदुर्ग फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है और वेल मेंटेन है। हम गाइड के साथ साथ ये फोर्ट देखने चलेंगे। ये हमने गाइड किया है, आइए। सर आपका नाम? परशुराम। परशुराम जी हमारे साथ में है, ये हमें पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करेंगे। सब भगवान के दर्शनों के गाइड के रूप में, रामकृष्ण, हनुमान, परशुराम। अभी तक हमें जितने भी गाइड मिले हैं सभी के नाम लगभग ऐसे ही है। हम्पी में रामकृष्ण जी, उसके बाद में हनुमान जी, अभी ये परशुराम जी, सभी भगवान गाइड के रूप में हमें यहाँ मिल गए हैं। और टिकट काउंटर ट्रेन टिकट पे एक बड़ा सांप सिंबल है, स्नेक। वो रूट मैप है, डायरेक्ट एंट्री में जिगजैग, वो फोर्ट के अंदर जिगजैग स्नेक रूट जाना। वो 15 सेंचुरी में बना है फोर्ट, और राजा का नाम है ना मदकरी नायक, लास्ट किंग और फर्स्ट किंग बत्ती थी मना नायक, एक ही राजा फोर्ट बने नहीं। टोटली 14 मेंबर किंग राजवार, टोटली एरिया 2500 एकर्स, 32 किलोमीटर स्क्वायर फीट, 4500 एकर्स। हाउ सर, माय गॉड, धूप कम होने की वजह से अभी काफी ट्रम्पेट ज्यादा सर रिलैक्स फील हो रहा है। अगर मैं धूप ज्यादा होती तो वो फोर्ट वगैरह चढ़ना काफी दिक्कत वाला हो जाता है। पूरा भी एंट्रेंस 90 डिग्री क्रॉस है सर, डायरेक्ट एंटर नहीं, zigzag way. Number 4th entrance name is Veerbhadreshwara door. Back side ek Shiva temple hai sir, Veerbhadreshwara. Uske mandir ka naam rakhiya Veerbhadreshwara door. Idhar dekha sir, pehle uske last bolta inches double door, wooden door. Barish mein dhoop mein pura door damage ho gaya. 15th century mein fort banaya, 600 years old fort, pura damage ho gaya sir door. Open close, only raja aane ke time jaane ke time open, dusre time pura close. Idhar population raja time 14 se 30,000 population. 30,000 हाउस सर। वो ऊपर गैप है सर सर्कल, इधर बेक है, टोटल इनसाइड 19 वॉच टावर है। उसके वॉचमैन का ड्यूटी पॉइंट है ट्रम्पेट जागा, फोर्ट के अंदर कौन दुश्मन आता उसके देखने के ट्रम्पेट करने की जागा सर। वो काटापना का थर्ड किंग राजा का घर सर, घर का एंट्री बाजू में जगनी वरांडा बोलता बैठने का चेयर सिस्टम, ऊपर मड वॉल। इधर टेम्परेचर चित्रगा बल्लारी मणकलमूर 48 टेम्परेचर मार्च अप्रैल टाइम, मडवाल स्कूल और राजा का घर भी सैनिक का घर भी सेम हाउस मड हाउस। नंबर 5th गेट सर, द सेंटेंस इज वेल डोर, वो पहले उसके डोर क्लोज करने को बैक साइड से घंटा डाल रहा मंदिर में, घंटा डाल रहा साउंड, वो उसको लगा रहा था उसके डोर से बहुत करने के लिए साउंड जा रहा सर। इस तरफ से शूट करने को गन पॉइंट है, वो ऑपोजिट तो पहले गैप
तो जगह में बंदूक तो फिरेंगी रखने को जगह गन पॉइंट। रेखा चित्र इज लाइन ड्राइंग। ऊपर एक डियर फिगर है, डियर फेस कट फॉरहेड बॉडी हर वो आदि मानव जनरेशन स्टोन एज। वो साउथ एंट्रेंस में वो गेट बहुत सुंदर है सर, वो डिजाइन हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर है सर। ऊपर भी हिंदू शैली में पूर्ण कुंभ कलश है और सेकंड फ्लोर में मस्जिद इकबरी दरगाह डिजाइन है। वो हिंदू राजा टाइम बनाया, राजा का नाम कस्तूरी रंगप्पा नायक। वो डोर में अपोजिट है ना पूर्ण कुंभ कलश, हिंदू संप्रदाय में वेलकम स्टैचू। वो पान गेट ऊपर एक गणपति सिंबल है, वो अंदर जाने के टाइम सील बंद करते हूँ तो देव के आश्रम में तो अंदर जाना स्मार्ट डोर। सर दिस वन नरसिंह स्वामी सिंबल इधर उग्र नरसिंह हम पे में नरसिंह स्वामी को पाले का पूरा नरसिंह स्वामी का एकनाथ ईश्वरी का पूजा करते हैं। ऊपर वैशाला सिंबल है टाइगर फाइटिंग, वो मधुकर सिंबल एलिफेंट राजा सिंबल। ऊपर गणपति टेम्पल है, फर्स्ट पूजा विघ्नेश्वर फोर्ट के अंदर फर्स्ट एंट्रेंस गणपति मोप गौरी। वो किला का नाम चित्रकला दुर्गा है, चित्र इज पिक्चर, फोर्ट इज बेटा गुट्टा। एक एक पत्थर अलग अलग डिजाइन है सर। दिस एलिफेंट शेप लुक्स एट एलिफेंट नेचुरल सर, वो एलिफेंट पे गणेश मूर्ति बने। सेवंथ डोर एकनाथेश्वर डोर, चित्रंग फोर्ट में लास्ट पैनल डोर, उसके देवी का नाम रखे सर एकनाथेश्वर डोर। ऊपर एक मंदिर है एकनाथेश्वरी। ये उस समय का वाटर रिजर्वायर बना है, किले के ऊपर का सभी पानी इसमें जमा होता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो लोग भी जानते थे, वही चीज उन्होंने की है। यानी पूरे किले में जब भी पानी की जरूरत पड़ती थी तो फिर वो ये पानी यूज किया जाता था। वाटर स्टोरेज टैंक हम इसे बोल सकते हैं। जी अभी हम एकनाथेश्वरी देवी जी के टेम्पल में आए हैं। अभी हमने हमारी मुलाकात यहाँ के लोकल श्रीनिवास सर से हो गई है। तो श्रीनिवास सर ने हमें ऐसे बताया कि यहाँ के सभी लोकल लोगों ने यहाँ के देवी के लिए एक
मुखौटा जिसे बोलते हैं फेस, वो बनाए हैं लगभग 1 kg ऑफ गोल्ड, 1 kg 500 ग्राम, 1 kg 500 ग्राम, 6 kg सिल्वर एंड 6 kg ऑफ सिल्वर, ये सब मिला के एक एक चेहरा एक फेसिंग बनाया है और वो आज ये देवी को समर्पण करने वाले हैं। अभी मंदिर में मुखौटा चढ़ाने का काम चल रहा है, सो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा दर्शन के लिए। ये कमेटी के कुछ सदस्य गण हैं, इनसे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये यहाँ के चित्रदुर्ग में कॉर्पोरेटर है। भैया आपका नाम? सीटी राजेश। पीपी राजेश जी, सिटी सिटी राजेश जी, हाँ। आपका नाम? मेरा नाम शशिधर है, मैं इधर का सिटी प्रेसिडेंट हूँ, विजय भाजपा का। ओके। और काउंसलर हूँ। और ये जो साथ में ये यहाँ के कारागिर, इनके हाथों ये सभी चीज बनाई गई है। आपका नाम? गणेश जी। ओके। आप ये सभी के बारे में थोड़ा सा दो लाइन बोल दीजिए। चित्रदुर्ग का ग्राम देवता है, अभी ये इसको साल को एक बार जात्रा चलते है, वो जात्रा का ये मुकदमा सोने का मुकदमा 1.5 kg का और चांदी का 8 kg का चांदी का आभरण बनाया हुआ है, आज पूजा है उनका मुकदमा का। आज ये पूजा वाले दिन हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी हम ये सब पूजा चल गए, पूजा के बाद में देवी जी के दर्शन करके यहाँ से निकल जाएंगे। अभी हम चित्रदुर्ग फोर्ट से नीचे आ चुके हैं, लगभग 1.5 घंटे का समय पूरा फोर्ट देखने में, वो भी गाइड के साथ। गाइड हो तो आप थोड़ा कवर भी अच्छा कर सकते हैं, आपको थोड़ी जानकारी भी मिल जाती है और स्पीड भी अच्छी आती है। पीछे में चित्रदुर्ग फोर्ट, तो अभी हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर। चित्रदुर्ग से लगभग 3 किलोमीटर आगे आने के बाद में चंद्रावली केव्स है, जहां हम पहुंच चुके हैं। ये केव्स में जाने वाला रास्ता है, एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ लेक और बीच में से केव्स जाने का रास्ता। देखिए ये स्वामी जी बैठता है। राजगुरु गूढ़ाचारी का चलो। ओके। सीक्रेट आंसर। ये पहाड़ी के नीचे बनाया है पूरा? हाँ सर, पहाड़ी के अंदर है। हाँ सर, 82 फीट। गजल दर में आएगा, इधर से जाए इकडनं गेला आपण आणि इकडनं आलो।
ठीक है पिंड ओके ओके चलो गुड मस्त हो गया तुमने एक अपार्टमेंट है खाली कहा जूस मतलब